तो बच्चों, आज आपको हम क्लास 12 के क्लास में प्रवेश करते हैं। और आपको जो आज का टॉपिक लिया गया है वो फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है। जो टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, जो इस साल वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पूछने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको गौर से सुने और समझे। कहता है किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम दो नियम है, इन्होंने दो नियम दिए हैं। जो पहला नियम इस प्रकार है, फर्स्ट नियम है कि किसी विद्युत परिपथ में चालकों के किसी जाल मेंस में किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। क्लियर? एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में चालकों के किसी जाल यानी मेस MES मेस में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग अल्जेब्रिक सम शून्य होता है। क्लियर? यानी समेशन आई इजकल टू जीरो। इस नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं। इनके प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। फर्स्ट लॉ है कि स्टेट दैट द करेंट फ्लोइंग इनटू ए नोड जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करेंट फ्लोइंग आउट ऑफ इट। दिस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर? फिर से रिपीट कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश बच्चे के बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए ठीक रहेगा। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ क्या कहता है? स्टेट दैट द करेंट फॉलोइंग इनटू द नोड जंक्शन और मस्ट बी इक्वल टू द करेंट फॉलोइंग आउट ऑफ इट। दिस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर? अब आइए इसका फिगर। फिगर में जो दिया गया है वो पी बिंदु से होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी पी एक जंक्शन है, एक नोड है। तो उस पी बिंदु पर का वैल्यू है वो जीरो होगा। कैसे? तो I1 - I2 + I3 + I4 - I5 = 0 इजकल टू जीरो। यानी I1 + I3 + I4 = I2 + I5। क्लियर? अब आते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर? एक बार और रिपीट कर देते हैं। दूसरा नियम है ये, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी समेशन ई इज़ इक्वल टू समेशन आई आर। अब आते हैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। क्या नियम है इंग्लिश में? कि सेकेंड लॉ कहता है स्टेट दैट एनी कंप्लीट लूप विद इन ए सर्किट द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ ऑल वोल्टेज सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस द अदर कंपोनेंट्स इन द सेम लूप। दिस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ बोथ चार्जेस कंजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं सेकेंड लॉ का इंग्लिश में। स्टेट दैट एनी कंप्लीट लूप विद इन ए सर्किट द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ ऑल वोल्टेज
across the other components in the same loop. This law is a consequence of both charge conservation and the conservation of energy. Clear? ये पर सेकेंड लॉ हुआ. फिगर देखें, फिगर भी दिया गया है, दो फिगर बनाया गया है, फिगर ए और फिगर बी. फिगर ए में तीन प्रतिरोध है, तीन रेसिस्टेंस है और तीनों से होकर धारा आई वन आई टू आई थ्री फ्लो हो रहा है और रेसिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री है. दूसरा में भी है फिगर में कि तीन धाराएं करंट आई वन आई टू आई थ्री और आर वन आर टू आई थ्री है और विद्युत वाहक बल जो है वो ई है, क्या है उससे जुड़ा हुआ है. तब क्या होता है, फिगर ए के अनुसार दोनों का मल्टीपुल, दोनों का गुणनफल है आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू माइनस आई थ्री आर थ्री इक्वल टू जीरो होता है. या फिगर बी के अनुसार आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस माइनस आई थ्री आर थ्री इक्वल टू ई. क्लियर? ये आपका हुआ विद्युत करंट में जो किरचॉफ लॉ जो नियम दिए हैं वो इस प्रकार हैं. तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से वीडियो लेकर आते हैं. तब तक के लिए आप सबका नमस्कार, जय हिंद. और नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करें. यदि ये मेरा वीडियो पसंद होता है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य लिखें ताकि मैं इसको सुनूं और इसे अच्छा बेहतर बनाने का कोशिश करूंगा. जय हिंद. ओके.